संभल विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शकील अहमद कुरैशी ने दावा किया है कि वे विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने हमेशा से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी से संभल विधानसभा का टिकट पाकर चुनावी मैदान में उतरे समाज सेवी शकील अहमद कुरैशी ने दावा किया है कि वे इस बार संभल विधानसभा क्षेत्र को नया विधायक मिलने जा रहा है। वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार चुनाव में भारी मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभल विकास से कोसों दूर है और यहां जनता से जुड़े तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। 30 साल से लगातार विधायक इकबाल महमूद पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने आज तक क्षेत्र के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, लेकिन अब जनता जाग चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता सपा, भाजपा और कांग्रेस को नकार कर बसपा के साथ जा रही है। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का है और आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे बसपा के हाथों को मजबूत करें ताकि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बने और मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। कल के अंदर जो बदहाली हुई है 30 साल की, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे रोडवेज नहीं है वहाँ पर रोडवेज बनाने का काम करेंगे, बस अड्डा लाएंगे और शिक्षा के लिए हमने जमीन ली है, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे, कई कई डिग्री कॉलेज बनाएंगे संभल के अंदर और रोज़गार बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बड़े बड़े उद्योग लाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया बनवाने का काम करेंगे। बहन जी की सरकार आई एक बार में हुई, लगातार वहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, उनसे किस प्रकार से आप मुकाबला करवाएंगे? वो हम लड़ाते थे उनको पहले, आप खुद लड़ना है तो मुकाबला तो हम जानते हैं ना, सब दाव पेज कितने कैसे हैं।